नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। जानते हैं अलीगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। अलीगढ़ में सुरेंद्र नगर स्थित ताला फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री की आग ऊपर के कमरों तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि ताले की फैक्ट्री राजीव वर्मा की है और नीचे ताले की फैक्ट्री चलती है और ऊपर आवास है। रविवार देर शाम को फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में कई सिलेंडर रखे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से सिलेंडर को बाहर निकाला गया और आग सिलेंडर तक पहुंच नहीं पाई। इस दौरान भाजपा के विधायक अनिल पाराशर भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आग बुझाने में सहयोग किया। साथ ही नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है। आग लगने के दौरान मकान के मालिक राजीव वर्मा घर पर नहीं थे। सारे सिलेंडर निकलवाए अपने सामने, तो खुद वहाँ पर सिलेंडर फटने की आशंका थी पूरी। फिर भी वो जाके हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल पाराशर जी ने वहाँ इतना काम कराया, ऐसा जवाब नहीं। क्या पड़ोसी है विधायक जी? पड़ोसी नहीं है, थोड़ा सा आगे उनका मकान, तीन चार मकान आगे है उनका, लेकिन उन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया। आग लगने का कारण पता लग रहा है किस कारण है? शॉर्ट सर्किट। लगभग कितनी गाड़ियों ने आग पर काबू पाया? दो गाड़ियां। दो गाड़ियां लगभग कितना नुकसान हो गया? नुकसान का तो अभी लगभग पता ही नहीं कर सकते आप लोग। अभी वहाँ पे इतना धुआं था, इसका जवाब आग लगी कहाँ थी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि नीचे काम होता था, ऊपर आग नीचे लगी हुई थी और ऊपर धुआं काफी ऊपर भी आग लगी, पर हमारे विधायक जी ने वहाँ बहुत सहयोग किया। ऊपर जाकर 5 फुट की दीवार फैलाई। 5 फुट की फैलाने के बाद पूरा वहाँ का सिलेंडर जितने भी थे वहाँ सारे सिलेंडर निकलवाए, उसके सारी व्यवस्था ऊपर जाकर खुद देखी उन्होंने। ऐसा नहीं कि नीचे खड़े हो गए और बोल दिया कि सब देखो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। फायर ब्रिगेड के जो आदमी थे उनके साथ वो खुद लगे। मौके पर टीम आ गई थी फायर ब्रिगेड? हाँ, मौके पर टीम आ गई। थोड़ा सा 10-5 मिनट वही आती है ऊपर नीचे, आने में टाइम लगता है। उस आवास में मुझे एक संभव है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि राजीव जी हैं नहीं थे किसी कार्यक्रम में बाहर किसी काम से। ऐसे ही पता लगा फायर ब्रिगेड आई, आग स्थिति नियंत्रण में सब आग जो है अंदर बजे लगी किचन में, और किचन में बराबर वाला कमरा उसमें से नुकसान हुआ है। कितना नुकसान है आग में उसके बाद में घर है या फैक्ट्री है? देखो अलीगढ़ का कल्चर है भैया, नीचे कारखाना होगा ऊपर आवास होगा, हर जगह की स्थिति माइक्रो इंडस्ट्री है अलीगढ़ की। घर घर अपने काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऊपर आवास बना। दमकल की गाड़ी कितनी ना टाइम से आ गई थी? लगभग कौन सी जगह है? सुरेंद्र नगर इंप्रेस कॉलोनी सुरेंद्र नगर। स्थिति नियंत्रण में कोई जान का नुकसान का आकलन है वहाँ वाले समय। ठीक है, थैंक यू। अभी किस तरीके से कहाँ आग लगी है? अपनी एड्रेस से लगी है, किचन में लगी है। अच्छा, पूछे कुछ वो फिर आगे बढ़ती चली गई। क्या कारण था आग लगने का? शॉर्ट सर्किट संभावना तो शॉर्ट सर्किट की है कि और तो कुछ था नहीं वहाँ पर घर के अंदर। लगभग कितना नुकसान हो गया? नुकसान का तो आंकलन अब जब अंदर घुसेगी तो मालूम पड़ेगी, अभी तब तो मालूम अंदर ही नहीं घुसे, लेकिन आग पर काबू पा लिया है। विधायक जी ने तुरंत वो रेस्पॉन्स किया था, जैसे आग लगे हम तो थे नहीं, विधायक जी को जैसी खबर लगी तुरंत मेरे पास फोन आया, वो मुझसे पहले यहाँ पर आ गए। बताया जा रहा फाइव ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी आने में काफ़ी विलम्ब हुआ था उनका? थोड़ा सा विलम्ब हुआ था भाई, ऐसा जितना मार्केट में है और जाम भी हो सकते हैं और रश भी होता है मार्केट में, लेकिन जो दूस मार्केट आने वहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा वो तो समय लगा। अब उस के अंदर आप लोग थे नहीं? उस समय घर के अंदर कोई नहीं था। आपको सोचा कि हमारे और जो भाई वगैरह हैं हमारे फादर हैं वो थे, उन सबको बाहर निकाल लिया एकदम सबको, जितने गैस सिलेंडर थे सबको हमने एकदम से, विधायक जी भी थे और उनके भी सहयोग। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के गांव मुकुटपुर में तब चीख पुकार मच गई जब युवती से छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों से महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गांव में दोनों पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग की भी सूचना है। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची, जहां घायलों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट कराया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। थाना लोधा क्षेत्र में
सहजाति परिवारजनों के बीच झगड़े की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त होती है, जिसपे तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कुआरसी थाना इलाके में बड़ी बहन ने अपनी ही नाबालिग छोटी बहन की जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले एक युवक के साथ मृतका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को लेकर बड़ी बहन परेशान थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पीएम हाउस भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने आरोपी बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी अमृत जैन और मृतका के परिजनों ने क्या बताया, सुनिए। किस तरह घटना हुई, क्या हुआ था? ये सर रात को इसका मर्डर हो गया। सुशांत नाम का लड़का है, कृष्ण विहार में रहता है और उसका गांव है असदपुर रेत दिवाई। दो साल पहले भी यही इसने जो वीडियो वायरल कर दी लड़की की, और अभी कोई 7-8 महीने पहले ये घर में कूद आया, जब पुलिस को पकड़ के दिया ये हमने, और जान से मारने की धमकी दे रहे, रोज़ लड़की को परेशान करता था। टीकाराम स्कूल में मेरी लड़की पढ़ती थी, 10वीं का पेपर दिया उसने, अब 11वीं में आई है। रात करीब 12-1 के बीच में इसका मर्डर कर दिया उसने, गला दबा के। तो घर में ही आ गया? घर में ही आकर। तो और कहाँ सो रहे थे सब लोग? बच्चे वहीं पे सो रहे, उन्हें तो सुंघा दिया उसने, और हम दूसरे वाले मकान पे थे। आपको कब पता चला फिर? हमें सुबह 4 बजे पता पड़ी है। फिर जब हम आए हैं, जब पुलिस को फिर 12 नंबर पर कॉल करी हमने, जब पुलिस आई। अब क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अब कार्रवाई कठोर होनी चाहिए साहब, उसको जो है सबक मिलना चाहिए। तो क्या इसके वीडियो भी वायरल किए थे इसने? हाँ, इसने वीडियो वायरल करी थी 2 साल पहले। तो क्या एक तरफा प्यार करता था, क्या था पूरा मामला? हाँ, यही कहता था कि मेरी ये मैं शादी करूँगा इससे। लड़की मना करती थी इससे। लड़का क्या करता है? लड़का पता नहीं, कुछ नहीं करता, ऐसे ही आवारा घूमता है, नशा वगैरह करता है, गांजा फांजा पीता है। कितनी बहन थी? ये 3 बहन थी, बड़ी का ये बीच की लड़की है। क्या नाम था इसका? इसका टंकल शर्मा नाम है। कितनी उम्र होगी? करीब 16 साल। आज थाना कुआरसी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपने ही घर में संदिग्ध हालात में मृत पाए जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतक की बहन ने अपने गुनाह को कबूला और यह बताया कि उसने नशीला पदार्थ देकर उसे सुलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के पलवल रोड सोफा चौकी के पास बुद्ध विहार डिपो की बस में आग लग गई। धुआं निकलता देख बस में चीख पुकार मच गई। बस को सड़क किनारे खड़ा किया गया और सवारियों को बाहर निकाला गया। सूचना और इलाका पुलिस दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से बस अलीगढ़ वापस आ रही थी। यहां करीब 38 सवारियां बैठी थी। वहीं रास्ते में अचानक बस से धुआं निकलने लगा। चालक ने बस को सड़क किनारे लगाया और सवारियों को बाहर निकाला। कुछ ही देर में बस में आग लग गई। राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर आई दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सर क्या नाम है आपका, और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बस में आग लगी है, क्या मामला है, कहां की घटना है? मैं आरंभ बुद्ध विहार अरुण कुमार, वहाँ जो है बल्लभगढ़ से बस हमारी आ रही थी अलीगढ़ के लिए। ये कल की निकली हुई बस है, बल्लभगढ़ से आ रही थी, तो रास्ते में सोफा नहर के पास पीछे से एक कार वाला ये बताया ड्राइवर को हमारे कि आपकी बस में धुआं निकल रहा है। जब गाड़ी खड़ी करके चालक देखा तो बस में आग लग गई थी। उसने पहले तो पैसेंजर को सबको सेफ किया, बचाया। मौके पर हमारे आरम सर महोदय, एसएम सर महोदय और हम मौके पर पहुँचे। देखा गया वहाँ टेम्परेचर तो वहाँ का उस समय 46 था, और देखने से ऐसा लगता है कि जो है कि गाड़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कितने पैसेंजर उसमें? 38 यात्री हैं गाड़ी में मौजूद उस समय, सब सेफ बचे हुए हैं, किसी को कोई जरा सा भी किसी को कोई चोट नहीं। आग लगने का क्या कारण रहा? आग लगने का कारण अधिक टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट।
फायर पहुंचे थे? फायर ब्रिगेड बाद में पहुंची है, जब बस बिल्कुल से जल गई थी तब पहुंची है। मौके पर जब हम लोग पहुंचे तब फायर ब्रिगेड पहुंची। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज? हाँ, पूरी तरह से डैमेज है। डिपो की गाड़ी थी ये? बुद्ध विहार डिपो की बस थी। कहाँ आ रही थी? ये अलीगढ़ आ रही थी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 2 साल से फरार 25,000 के इनामी को निजामी पुलिया से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम आमिर खां पुत्र शाहिद खान है, जो कि वर्तमान में नैनीताल में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना सिविल में धोखाधड़ी समेत 3 मुकदमे दर्ज हैं, जो 2 साल से फरार था, जिसके खिलाफ SSP ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। कोर्ट से वारंट जारी हो चुके हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, SI जितेंद्र कुमार धामा, आबिद कुरैशी, SI अंकित सिंह, हेड कांस्टेबल अंकित कुमार, कांस्टेबल गौरव चौधरी, कांस्टेबल नरेंद्र मावी शामिल रहे। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ अलीगढ़ का लोकल रहने वाला हूँ। खुर्रम शिरवानी नाम है मेरा, पानवाली कोठी में रहता हूँ। क्या मामला था? हमारा मामला ये था कि साहब आमिर खान ने मुझसे कहा था कि मैं अपना फ्लैट बेचना चाहता हूँ, और उसके लिए इन्होंने अलग अलग मुझसे 2 बार में पे चेक लिए, जिसके 14 लाख रुपये मैंने टोटल पेमेंट किया इनको। उसके बाद कहने लगे कि हमारे मतलब परिवार में मन बदल गया, हम फ्लैट बेचेंगे नहीं, आपका पैसा हम वापस कर देंगे। तो उन्होंने वो चेक उसी तरीके से मुझे 2 वापस किए चेक, जो मेरा पैसा लिया था। चेक मैंने जब खाते में लगाया इनके तो जो चेक बाउंस कर गए वो दोनों। तो है और कितने पैसे का? ये करीब 3 साल इस बात को हो गए, और 14 लाख से ऊपर की ठगी है उसमें। फिर इन्होंने कहा वो आप उस वक्त मेरे पास पैसा था नहीं, आप दोबारा से पैसा ये चेक लगा दो, आपको 2 महीने में पैसा आ जाएगा। हमने संपर्क में तो ये आएगा, ये भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं और मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। हमारी स्कूलिंग साथ में हुई थी, ये मेरे बचपन से जानने वाला, मेरा दोस्त भी रहा है स्कूल लाइन में। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये 420 करने लगे मार्केट में, और हम भी परिवार वाले हैं तो 14 लाख रुपये की रकम हमारे लिए बहुत होती है कमाना, अपने परिवार को हम कैसे चला रहे हैं तो हम जानते हैं। आपको कैसे जानकारी मिली कि ये और भी लोगों के साथ ठगी हुई थी? ऐसा है इनके, फिर वो जो हमारे पैसा नहीं मिला और हमने इनके घर परिवार वालों को सूचना दी कि साहब मेरा पैसा चला गया, मैं तो परिवार के मामले थे, आप इसको पैसे की रिकवरी कराइए। तो इनके साले हैं, इनके चाचा हैं, इनके माँ हैं, इनके मामू हैं, मैं सभी को जानता हूँ परिवार में। तो किसी ने कुछ बहान लगाया, किसी ने कुछ बहान लगाया, पता करने से पता चला साहब इन्होंने सभी से ही पैसे ले रखे हैं, किसी से तबीयत खराबी के नाम से, किसी के किस नाम से। तो परिवार मैंने इसमें मुकदमा दायर किया, मतलब अपने चेक बाउंस का, और उसमें संबंध चल रहे हैं इनके, ये गायब हैं, और इनके जो स्थायी पते पर पुलिस जाती है तो ये मिलते नहीं हैं। कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके होंगे, कितने पैसे? मेरे संपर्क में जो लोग आए अपने परेशानी लेके हैं, 10-12 लोग ऐसे हैं जो अपना बड़ा रकम बताते हैं, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख रुपये बताता है। तो आप क्या लगता है आपको कितने पैसे की ठगी कर चुके हो? साहब हमें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, जब हमारा पैसा गया हम चाहते हैं न्याय के हिसाब से, और हमें पैसा मिले चेक बाउंस है हमारे पास, 1 नंबर का पैसा हमारा, बड़ी मेहनत से अपने बच्चे पाल रहे हैं हम। आपको आज क्या हुआ है, क्या आज? हाँ, हमारी सूचना के अनुसार ये पुलिस इनको अरेस्ट करके लाई है नैनीताल से कहीं से किसी और ठगी के मामले में। तो चूंकि मेरा भी यही मुकदमा चल रहा है, सिविल लाइन का ही मुकदमा है, यहाँ से जानकारी मुझको मिली थी तो मैं आया हूँ अपने देखने के लिए, क्या मतलब पहचानने शनाख्त करने के। थाना सिविल लाइन का, थाना सिविल लाइन ज़िला अलीगढ़। ये अब बताया जा रहा है, किसी और मेरे वाले केस में तो नहीं आए, किसी और केस में आए हैं, पुलिस हिरासत में है थाना सिविल लाइन अलीगढ़ में। हाँ, पुलिस ने इनका मेडिकल करा रही है पुलिस, उसके बाद जेल भेजेगी। ये तो 3-4 साल से फरार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राशिद जमाल है, मैं बेगपुर का रहने वाला हूँ, सिविल लाइन अलीगढ़ का। क्या मामला था? मेरा मामला है कि ये एक मुझसे ठगी हो गई है, 8.5 लाख रुपए लेके मुझसे ठगी करी गई है। ये सरसईद नगर में रहता था आमिर खान, सन ऑफ शाहिद खान, जिसने कि मुझे हबीब अपार्टमेंट में एक फ्लैट दिखा के कि मैं आपको इसमें एक फ्लैट दे दूंगा। मैं किसी के द्वारा इससे मिला था, तो मुझसे उसने 8.5 लाख रुपया मुझसे ले लिया कि बाकी का पैसा आप बाद में दे देना। ये सन 2019 का मामला है, लॉकडाउन से पहले का। तो फिर इसने जब मुझे फ्लैट न दे के बाद में मुझसे कहने लगा कि आप अभी थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। मैंने कहा आप मुझे फ्लैट नहीं दे रहे तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। पैसा ना वापस दे के इसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, मुझे धमकाना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी टोकने के बाद में मुझे इसने चेक दे दिए, 8.5 लाख रुपये के 2 चेक दिए, 1.5 लाख रुपये का, 1.4 लाख रुपये का, कि आप ये चेक ले जाओ और मेरे बैंक से पैसा ले लेना। सन 2022 का इसने चेक दिया, चेक बैंक में लगाई हमने, उसमें बैलेंस नहीं था। कोर्ट में फिर मैंने मुकदमा डाला, फिर ये यहाँ से फरार हो गया अलीगढ़ से। मेरे अलावा और भी लोगों का इसने काफ़ी गबन किया हुआ है। मैंने इसकी शिकायत करी थी कई बार, इसे वहाँ भी देखा, पुलिस में इसके खिलाफ़ पहले से ही बहुत सारी शिकायतें यहाँ पे दर्ज हैं। इसने लोगों से नौकरी के नाम पे पैसा ठगा हुआ है, किसी से बिजनेस में लगाने के लिए लिया,
और किसी से फ्लैट देने के नाम पे, ज़मीन देने के नाम पे, इस तरह के इसने तकरीबन 30 से 40 लोग तो मेरी नज़र में हैं जो कि इसने ठगी करी है, जो मुझे मिले हैं अब तक बताते हैं लोग पैसा है। इसने एक हमारे अरमान भाई हैं उनका पैसा ठगा हुआ है, मुख्तार जैदी साहब हैं। ठगी इसका अलग अलग रूप था, सबसे किसी को कहता था आपकी नौकरी लगवा दूंगा, किसी को मैं मेरी ज़मीन वहाँ पे पड़ी है मैं ज़मीन दे दूंगा, किसी को आप पैसा मुझे दे दो मैं डबल करके दे दूंगा, इस तरह से इससे लोगों को फंसाना इसका काम था। आज क्या हुआ? आज जब हमें ये काफ़ी दिन से फरार चल रहा था, 3 साल से अलीगढ़ से भागा हुआ था, आज पता चला हमें किसी के द्वारा कि पुलिस इसे ले आई है यहाँ पर ढूंढ के, इस पर इनाम रखा हुआ था पुलिस ने शायद कुछ, सिविल लाइन थाने में इसे पुलिस ले आई, तो मुझे पता चला था कि आमिर खान को पुलिस ले आई है यहाँ पर, तो मैं उसे देखने के लिए आया था जो कि पुलिस के पास मौजूद है यहाँ पर, तो पुलिस में इसकी हमने और कंप्लेंट की है कि हमारा पैसा हमें दिलवाया जाए, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं से कर्ज इकट्ठा करके दिया था इसे, आज हम भी परेशान हैं हमारा पैसा मिल नहीं पा रहा और ये मज़े ले रहा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के ग्लास क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश रविवार को फूट पड़ा। कई गांवों के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर हाथरस मार्ग को जाम किया। ग्रामीण घरों से निकलकर सड़क पर एकत्रित हो गए और यातायात बाधित हो गया। अधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, तब कहीं 3 घंटे बाद जाम खुल पाया। विद्युत उपकेंद्र तोछीगढ़ से करीब 22 गाँव जुड़े हैं। रविवार सुबह कई गाँवों के ग्रामीण एकत्रित होकर विद्युत उपकेंद्र पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए विद्युत पोल बीच सड़क पर डालकर जाम लगा दिया। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली कटौती से भारी परेशानी हो रही थी। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की कमी से बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। 24 घंटे में मात्र 8 से 10 घंटे किश्तों में बिजली मिल रही है। शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पर शिकायत लेकर पहुंचता है तो यहां कर्मचारी अभद्रता करते हैं और शाम को शराब के नशे में धुत मिलते हैं। आए दिन ग्रामीणों की केबल काट दी जाती है, बाद में लेन देन करके जोड़ी जाती है। जाम की सूचना पर तहसीलदार उदयवीर सिंह, नायब तहसीलदार प्रवीण तोमर, SDO सुनील कुमार, इंस्पेक्टर कोमल सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से बात के दौरान अधिकारियों की नोकझोंक हुई। अधिकारियों ने जाम खुलवाया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। SDO ने कहा विद्युत कटौती को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।